इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं। पुलिस लाइन में फूटा कोरोना बम, एक साथ 18 आईपीएस हुए कोरोना संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं। 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कोरोना से 2 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। अब तक 125 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस लाइन में कोरोना बम फूट चुका है, एक साथ 18 आईपीएस कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कोरोना से 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, अब ये कोरोना पुलिसकर्मियों पर भी हावी होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई सरकारी कर्मचारी में हो रहा है तो मुंबई की पुलिस है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार आम जनता से के बीच रहती है और मुंबई पुलिस लगातार आम जनता से रूढ़ होती है, क्योंकि मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है। अब ऐसे में आंकड़े बताते हैं कि मुंबई पुलिस के तमाम जवान सहित मुंबई के कई बड़े अधिकारी, सबसे अहम बात की मुंबई के ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, उसके अलावा 14 डीसीपी के अलावा तमाम पुलिसकर्मी प्रभावित हुए, जिसमें 48 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि 146 पुलिसकर्मी पॉजिटिव कोरोना हुए हैं। अब ऐसे में 2 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से पिछली दूसरी लहर में देखा गया था कि मुंबई पुलिस के तमाम जवान जो है लगातार प्रभावित हो रहे थे, उस दौरान भी 156 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। तो बड़े आंकड़े हैं, लेकिन मुंबई पुलिस एक बार फिर से लगातार प्रभावित हो रही है। सत्यप्रकाश, पुलिस लाइन में कोरोना बम फूट चुका है। सत्यप्रकाश, यहां हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी सुरक्षा करते हैं आम जनता की, लेकिन खुद पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है कोरोना से, सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रही है? देखिए पिछले दौर में ये देखा गया था कि जब पुलिसकर्मी ज्यादा संख्या में प्रभावित हो रहे थे, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई पुलिस ने एक योजना बनाई थी जिसमें बताई गई थी कि मुंबई पुलिस के लिए सबसे पहले वैक्सीन की दोनों डोज देने की बात कही गई थी, उसके बाद मुंबई पुलिस के लिए एक्स्ट्रा विटामिन की गोलियां दी जा रही थी, मुंबई पुलिस के लिए तमाम तरह के तरल पदार्थ या फिर अन्य दवाइयां दी जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। फिलहाल सरकार ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन पिछली बार लगातार सरकार ने मुंबई पुलिस के तमाम योजनाएं बनाई थी कि मुंबई पुलिस को कैसे सुरक्षित रखा जाए, लेकिन इस बार एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जब मुंबई महाराष्ट्र कोरोना की आंकड़े लगातार हैट्रिक के पार हो रहा है, ऐसे में 20,000 के पार, एक चौथा दिन है कि लगातार 20,000 के पार जो है मुंबई में कोरोना है, जबकि 44,146 मामले जो है महाराष्ट्र में आए हैं, तो बेहद चिंताजनक है। और लगातार सरकार भी कह रही है कि लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई कड़े प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि कल देर रात से ही कड़े प्रतिबंध जो सरकार ने कानून बनाए थे उसको लागू कर दिया गया है। मुंबई पुलिस की जिम्मेदारियां भी दे दी गई है कि आप उसके सख्ती से पालन करवाएं। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि अगर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन लोग नहीं करते हैं तो मुंबई पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी, यानी कि सारी जिम्मेदारियां मुंबई पुलिस को दी गई है कि किस तरह से जो गाइडलाइन दी गई है, बनाई गई है, उसका पालन करवाना आम जनता की जिम्मेदारी के साथ साथ मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी की, कैसे लोग इसका पालन करें। बिल्कुल, मुंबई पुलिस सख्ती से पालन करा रही है कोरोना की गाइडलाइन का, लेकिन एक तरफ जहां मुंबई पुलिस ही जनता को सिखा रही है कि किस तरीके से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है। सत्यप्रकाश, सरकार ने इसको लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं? देखिए सरकार चाहती है कि मुंबई पुलिस ज्यादा से ज्यादा कोरोना से प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने अभी एक नया आदेश निकाला जिसमें 55 ईयर से ऊपर के लोग जो पुलिसकर्मी है उन्हें वर्क फ्रॉम होम, मतलब
घर से काम करें। उसके बाद उन्हें ये भी कहा गया है कि अल्टर डेज पे बुलाया जाए, मतलब एक दिन के बाद एक दूसरे दिन बुलाया जाए, कम से कम एक दिन उनको राहत मिले, आराम मिले, इस तरह की व्यवस्था सरकार ने एक बार फिर से की है। लेकिन सबसे ज्यादा बात यह है कि जब तमाम लोग प्रभावित होते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाने की बात आती है या फिर कोरोना पेशेंट को एडमिट कराने की बात आती है तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व मुंबई पुलिस का हो जाता है, क्योंकि लोगों का कॉल जो जाता है कंट्रोल पे कॉल जाता है वो मुंबई पुलिस को जाता है। ऐसे में मुंबई पुलिस ही फ्रंट पे आके जो है लोगों की मदद करती है। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस का प्रभावित होना लाजमी है और होती भी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस के लिए जो व्यवस्था शायद होनी चाहिए उस तरह की फिलहाल इस बार तीसरी लहर में नहीं की जा रही है, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में लगातार मुंबई पुलिस के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं, तमाम तरह की इंतजाम, और फिर पहली लहर में ये भी देखा गया था तो लोगों ने जो सामाजिक तत्व है उन लोगों ने भी तमाम पुलिस की मदद की, चाहे वो फेसिल की बात हो या फिर मास्क की बात हो या फिर सैनिटाइजर की बात हो या फिर पुलिस स्टेशन को सैनिटाइज करने की बात हो या तमाम तरह के जो अल्टरनेट व्यवस्था थी, चाहे वो सर ढकने की बात हो, तो तमाम व्यवस्थाएं लोग कर रहे थे। लेकिन पहली तीसरी लहर में इस तरह की चीजें अभी फिलहाल नहीं देखी जा रही है। मुंबई पुलिस को खुद सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है, लेकिन जो उनकी ड्यूटी है वो लगातार रूटीन में है। इसके अलावा जो तमाम पुलिस की जिम्मेदारियां होती है रूटीन क्राइम कंट्रोल की, वो भी उनकी जिम्मेदारी। तो जाहिर तौर पर पुलिस के ऊपर अतिरिक्त भार आ जाता है जब कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर से लगातार बढ़ने लगी है और फिर मुंबई पुलिस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल, धन्यवाद सत्य प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव बताए गए, कोरोना से 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। एक तरफ जहां पुलिसकर्मियों को जनता का सुरक्षा कर्मी माना जाता है, वहीं पर पुलिसकर्मी ही कोरोना से संक्रमित होते हुए नजर आ रहे। एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जीओटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज आपकी बुलंद आवाज आपकी बात।